बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। बिजनेसमैन राज कुंद्रा के अडल्ट फिल्म मेकिंग वीडियो बनाने और स्ट्रीमिंग को लेकर हुई गिरफ्तारी के बाद उनकी वाइफ और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के सपोर्ट में फिल्म इंडस्ट्री से अब लोग सामने आ रहे हैं। फिल्म मेकर हंसल मेहता के बाद एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने शिल्पा शेट्टी को सपोर्ट किया है और ट्रोलर्स के खिलाफ ट्वीट किया है। ऋचा ने ट्वीट किया है कि कैसे औरत को आदमियों के मिस्टेक्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऋचा चड्ढा ने हंसल मेहता के उस ट्वीट पर रिप्लाई किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि शिल्पा को डिग्निटी और प्राइवेसी मिलनी चाहिए जब तक कि इस मामले में कोई फैसला ना आ जाए। इस पर ऋचा ने शिल्पा को सपोर्ट करते हुए लिखा, हमने पुरुषों की गलती के लिए उनकी लाइफ में रहने वाली महिलाओं को दोषी ठहराने का एक राष्ट्रीय खेल बना दिया है। खुशी है कि वो मुकदमा कर रही हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि शिल्पा शेट्टी लगभग 30 मीडिया हाउसेस पर मानहानि का मुकदमा कर रही हैं। उसी के रेफरेंस में ऋचा चड्ढा ने ये ट्वीट किया। लेकिन लगता है कि ऋचा की इस बात से फैंस अग्री नहीं हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऋचा चड्ढा और शिल्पा शेट्टी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने ऋचा चड्ढा को सलाह दी कि वो इस मामले को जेंडर से ना जोड़े, तो वहीं शिल्पा पर भी सवाल उठे कि उन्हें अपने पति के बिजनेस के बारे में कैसे पता नहीं था। आइए आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ ट्वीट्स। एक यूजर ने लिखा, कम ऑन, लीगली शी कांट स्टॉप मीडिया फ्रॉम रेफरिंग हर इन द केस। She can sue whoever doesn't oblige. Don't bring gender into this. It has more to do with being famous. If someone from Akshay or Shahrukh's family was accused of something, wouldn't media behave in same way? एक और यूजर ने लिखा, कोई भी शिल्पा को उनके मिस्टेक्स के लिए ब्लेम नहीं कर रहा। हमें बस ये नहीं समझ आ रहा कि आप कैसे एक ही छत के नीचे रहकर अपने पति के पैसे कंज्यूम करते हो और ये भी नहीं पता होता कि ये आ कहां से रहा है। एक और यूजर ने लिखा, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड ने दूसरी औरतों को अडल्ट फिल्म मेकिंग वीडियो में फोर्सफुली धकेला, एक FIR भी दर्ज है। मुझे ये समझने में परेशानी हो रही है कि आखिर बॉलीवुड इन वुमेन्स को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा जिसे राज कुंद्रा की गैंग ने इस तरह के काम में धकेला है। यू आर गोइंग टू कॉप क्रिटिसिज्म इफ योर हस्बैंड इज कॉट रनिंग अ क्रिमिनल रैकेट एंड यू आर क्वाइट अबाउट इट। एक और यूजर ने लिखा, शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा के मिस्टेक्स के लिए कोई ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ ये बहुत ही अनबिलीवेबल है, एक फेमस सेलिब्रिटी जैसे कि शिल्पा शेट्टी को पता ही नहीं है कि उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो तब तक राज कुंद्रा के साथ हैं जब तक कि वो लीगल ट्रबल से बाहर नहीं आ जाती, इसके बाद वो उनसे डिवोर्स ले लेंगी। एक और यूजर ने लिखा, राज कुंद्रा वॉज नेम्ड इन बेटिंग स्कैंडल एज वेल एंड समहाउ दैट डाइड डाउन। Difficult to expect the spouse not knowing or asking questions when the husband got richer day by day. Didn't she ever asked him? Wouldn't you from your spouse? एक और यूजर ने लिखा, बॉलीवुड में ये सबके साथ है। वो नेपोटिज्म के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन फेमिनिज्म के बारे में उतनी फ्रीक्वेंटली बात करेंगे जैसे कि टॉयलेट में कोई टिश्यू पेपर यूज किया जाता है। अगर शिल्पा ने खुद ही कह दिया है कि ये इरोटिक है, तो फिर अब बचा ही क्या है। थैंक गॉड हम नेटफ्लिक्स के वर्ल्ड में रहते हैं और हमें बॉलीवुड कंटेंट की जरूरत नहीं है। एक और यूजर ने लिखा, आई डोंट गेट दिस, वो उनके बिजनेस वेंचर्स की पार्ट थी, वो डायरेक्टर के पोस्ट पे थी, तो ऐसे में शिल्पा पर सवाल उठना बहुत ही नेचुरल है। ये सेलेब लोगों को इन्फ्लुएंस करके पैसे कमाते हैं, तो लोगों का रिएक्शन भी तो नेचुरल है ना, जब इतने अच्छे लोग इतना गंदा काम करते हैं। एक और यूजर ने लिखा, No one accusing Shilpa Shetty, but yes, if her doing something illegal, then she is the first one to know. How it's possible? Because any person of her family doing bad, then whole family is in bad position. So Shilpa Shetty have to face these things the way she enjoys her stardom. एक यूजर ने ऋचा चड्ढा पर निशाना साधते हुए लिखा, आप कहना क्या चाहती हैं ऋचा चड्ढा? शिल्पा शेट्टी अपने हस्बैंड के एक्टिविटीज के बारे में अवेयर नहीं थी, हालांकि वो उनके साथ 24 घंटे रहती हैं, ये पॉसिबल है क्या? तो इस तरह से साइलेंट होना एक क्राइम है, आखिर लोग उन्हें ब्लेम क्यों ना करें? बॉलीवुड इज नियर टू शट डाउन, यू ऑल आर एक्सपोज्ड। एक और यूजर ने लिखा, स्टॉप बीइंग हिपोक्रिट्स फॉर योर बॉलीवुड फैमिली एंड मेक इट अ इशू ऑफ वुमन एम्पावरमेंट। एटलीस्ट शिल्पा इतना तो कर सकती थी कि दूसरों से पहले खुद ही अपने हस्बैंड को एक्सपोज कर दें। सब लोगों ने उन्हें एक हीरो माना है, शी इज इक्वली टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस।
वेल, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स ने एक वैलिड पॉइंट उठाया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल।